गाइस, कैसे हैं आप और सब खैरियत? सभी भाई और बहनों को प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं आपका दोस्त तुषार एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। द नेम इज ऑडियो हंटर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हेमचो मजामचो। दुआ करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके तुषार भाई भी बहुत अच्छे से है, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो YouTube परिवार है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि दिख रहा है मेरे 10,000 सब्सक्राइबर से अब 11,000 होने जा रहे हैं। तो गाइस, मेरे जितने भी प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मैं बहुत निवेदन करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं, और ये मेरा चैनल के साथ साथ आप सभी का चैनल है, ताकि हम आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स लेकर आते रहे और आपके घर बढ़िया से विंटेज यूनिक एंटिक स्टाइल के प्रोडक्ट आपके पास पहुंचाते रहे। तो ऐसे ही आपका प्यार बना रहे हमारे ऑडियो हंटर चैनल में। जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बढ़िया से म्यूज़िक का आनंद लीजिए नए नए नोटिफिकेशन के साथ। तो ब्लॉग बनाने से पहले मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और यूट्यूब टीम का दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, जो कि बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त होने जा रहा है, और मैं आपके लिए बहुत ही सुपर विंटेज यूनिक स्टीरियो रिसीवर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं गाइस, बने रहिएगा मेरे प्यारे से संगीत चैनल में, जिसका नाम है ऑडियो हंटर। जैसे कि आज हमारे जो गेस्ट साहब आए हैं, सुपर विंटेज है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, इतना पुराना खिलौना, इतना ओल्ड टॉय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। और जिस कंडीशन में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो आप कंडीशन देख सकते हैं, टोटली मिंट कंडीशन है। डिस्प्ले का कलर इफेक्ट्स आप देख सकते हैं, इतना यूनिक है कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी को मैं सल्यूट करता हूँ। बहुत जबरदस्त जिसे कहते हैं, इसका मॉडल है पाइनियर का। मैं आपके लिए स्टीरियो का रिसीवर लेकर आया हूँ, जिसका मॉडल है पाइनियर ES2000M। चलिए मैं आपको इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल दिखा देता हूँ, जो कि सुपर विंटेज है, विंटेज का खजाना है। ये थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, जी अब सही है। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा यूनिक आइटम है, पाइनियर हाईफाई इंजन में भी इसका नाम है। ठीक है, और आप देख सकते हैं पाइनियर ES2000M विंटेज रिसीवर, सन, अगर मैं दिखाना चाहूँ, सन 1974, मिंट कंडीशन, मेड इन जापान, आपको ये मिल जाता है। किसी भाई ने, कोई फॉरनर ने इसे फेसबुक पे डाला था, तो मेरे ख्याल से ये सोल्ड आउट दिखा रहा है, सोल्ड आउट। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त आपके सामने मैं पाइनियर का रिसीवर लेकर आया हूँ, 1974 का, जो कि बहुत ही मिंट कंडीशन में है गाइस। और ये कंडीशन मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में ये मिल जाए, ये तो एम्बेसी से हमारा नीट एंड क्लीन सामान आता है। थोड़ी सी जान पहचान है आपके तुषार भाई की, थोड़ा सा जापान से भी हम इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फोकस ठीक कर लूँ मैं, अभी भी नहीं हुआ। सो बिल्कुल एक्सेलेंट कंडीशन में मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, पाइनियर का ES2000M, जो कि फुल वर्किंग है। अभी मैं इसको आपको टेस्टिंग वीडियो भी दिखाऊंगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि यह रिसीवर में आपको टोन का ऑप्शन मिल जाता है, बास, ट्रेबल, बैलेंस, वॉल्यूम, और साथ ही साथ आपको ये लाउडनेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, और ये टेप मॉनिटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, और ये फंक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको बता देता हूँ उसमें फंक्शन क्या क्या है।
FM ऑटो, AM फोनो, ऑक्स, ठीक है। और साथ ही साथ आप इसमें अपना माइक भी ऐड करके सिंगिंग भी कर सकते हैं, माइक का भी आपको ये ऑप्शन इसमें मिल जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी मेरे को बात क्या लगी है कि ये 4 स्पीकर्स चलाता है, जैसे कि आप देख सकते हो मोड, अगर आप देख सक रहे हैं 2 चैनल है, 2 चैनल के बाद आप इसे अगर 1 करेंगे तो यहाँ पे आपके 2 स्पीकर्स चलेंगे, तो आप 1 के आगे -4 चैनल MTX लिखा हुआ है, यानी कि इसको फिर आप अगेन ऐसे करेंगे तो ये 2 पे आ जाएगा, यानी आप इसमें 4 स्पीकर्स आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा एम्पलीफायर है, रिसीवर है ये स्टीरियो, और ये इसका बड़ा यूनिक सा ट्यूनर है, आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइट है, पूरा ट्यूनर वर्किंग है, मैं भी आपको सारा चेक करके दिखाऊंगा। बहुत यूनिक इसकी वॉल्यूम है, ग्रिप बहुत अच्छी है वॉल्यूम की, इस बहुत स्मूथ है, मज़ा आ रहा है इसको ऐसे अप एंड डाउन इधर उधर घुमाने में, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है गाइस, जिस भी भाई और बहन के पास ये स्पाइनर का स्टीरियो रिसीवर जाएगा वो जिंदगी भर याद करेंगे कि क्या चीज़ दी है। ऑल ओवर कॉस्मिक कंडीशन बहुत अच्छी है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो आइए, अभी मैंने आपको इसका फ्रंट दिखा दिया, ऐसे ही मैं आपको इसका बैक दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, यहाँ से इसको हम ऑफ कर देते हैं, ये ऑफ हो गया, ठीक है। चलिए हम इसको बैक करके दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छा आज का सुपर विंटेज वीडियो होने जा रहा है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल में, मेरी वीडियो में, और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया से यूनिक से प्रोडक्ट्स लेकर आते रहेंगे, ठीक है गाइस। सो गाइस, जैसे कि मैंने इस स्टीरियो रिसीवर पाइनर के बैक कर दिया है, तो जैसे कि फ्रंट का कंडीशन इतना मेंट था, उसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ लाइव में बैक का कंडीशन भी इतना ज़बरदस्त है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेड इन जापान का प्रोडक्ट है, 1974 का मॉडल गाइस, जबकि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, ये लगा लीजिए। अभी तक बरकरार है, कनेक्टर्स आप देख सकते हैं ऑल आर एक्सलेंट कंडीशन, ठीक है। और इसमें आपको मैं आपको बता देता हूँ, सबसे अच्छी बात है कि इसमें वोल्टेज सेलेक्टर लगा हुआ है, आप चाहे 220 में चलाइए, 120 में चलाइए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी था, मैंने देखा भी था कहीं पे। तो आप इस रिसीवर को किसी में भी 110 में, 220, 240 पे किसी में भी आप चला सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा यहाँ लिखा हुआ है मेड इन जापान, जापान का स्टीरियो रिसीवर है और बिल्कुल फुल वर्किंग है। अभी मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा और वीडियो के जो अंत में, वीडियो के आखिरी में मैं आपको उसके प्राइस की डिटेल बताऊंगा। आप देख सकते हैं पूरा वुडन में बना हुआ है, उस टाइम की पुरानी चीज़ें होती थी वो मेटल कम यूज़ करते थे, वुडन ज़्यादा यूज़ करते थे, तो ये पूरा इसमें वुडन कार्डबोर्ड है, यहाँ भी वुडन है, तो बिल्कुल एक्सलेंट कंडीशन में है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको इसकी बात करता हूँ, इसमें आपको FM AM दोनों मिल जाएगा जो कि फुल वर्किंग है, साथ ही साथ आपको इसमें फोनो टर्न टेबल भी एड ऑन कर सकते हैं। जिस भी भाई के पास या बहन के पास ये होगा, वो इसको चला रहे होंगे, तो उसमें इन्होंने मार्कर से लिखा हुआ है कि ताकि कंफ्यूजन ना रहे। वैसे ऑलरेडी यहाँ पे पूरा डायग्राम बना हुआ है कंपनी ने, पूरा पाइनर कंपनी ने ऑलरेडी बॉक्सेस बना रखे, उस पर सारी डिटेल लिखी है, बट जिस भी भाई के पास होगा ये, या जो यूज़ कर रहे होंगे, या कोई फॉरनर बंदा, अंग्रेजी बंदा यूज़ कर रहा होगा, तो वो उन्होंने AFM का इसका डायग्राम बना रखा है, यानी कि इस डायग्राम को देख के लगता है कि ये दोनों FM के वो है एंटीना, ठीक है। यहाँ इसको खोलेंगे, वायर डालेंगे, टाइट करेंगे, तो आपका FM चालू, ठीक है। तो लेकिन गाइस मैं बड़ा ही नहीं करता, बिना एंटीने के FM कैच करता है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, सहयोग की बात है कि विदाउट, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है 2 घंटे कल चलाया है, बहुत मज़ा आया मेरे को, इतने अच्छे गाने, पुराने गाने मैंने लता मंगेशकर के, मिथुन चतुर्वेदी के, आपके मोहम्मद रफ़ी के गाने सुने, मज़ा आ गया, अनवर के सुने, अल्टीमेट। तो यहाँ पे इन्होंने जो डायग्राम बनाया, ये डायग्राम मेरे को जो समझ में आ रहा है, ये ग्राउंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ये लिखा है GND, यानी कि GND ग्राउंडिंग, जो फोनों की अर्थ के लिए आप इसमें लगाएंगे तो ग्राउंडिंग का ऑप्शन है, और ये इसका जो सिंगल एंटीना है, यहाँ इन्होंने AM लिखा है, AM का एंटीना है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए यहाँ पे फोनो ये दे रखा है लेफ्ट राइट, ठीक है, फोनो का है, और ये आपका इसका
होनो है, ऑक्स है, ये ऑक्स हो गई, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसमें डबल कैसेट प्लेयर यानी कि कैसेट प्लेयर भी जोड़ के आप दूसरे पॉइंट से कैसेट में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है टू चैनल टेप डेक, जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं जूम करके। तो ये तो बात होगी इस पोर्शन की। अब बात करते हैं स्पीकर्स की। तो गाइज इसमें चार स्पीकर्स चलते हैं, ओरिजिनल कनेक्टर्स लगे हैं, देख सकते हैं आप। ये इसके स्पीकर्स के कनेक्टर है 1, 2, 3, 4, टोटल चार स्पीकर्स, चाहे आप 10 इंची 12 इंची के कोई भी आप चला सकते हैं, ठीक है। और 250 वाट इसमें दिखा रहा है। एसी में आपको इसमें दो पॉइंट मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको इसमें सीडी प्लेयर ऐड करना है, इक्वलाइजर करना है, टर्न टेबल जोड़नी है। अगर आपके पास टर्न टेबल है तो अलग मल्टीप्लग ना लेके आप इसके अंदर पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। SLR का भी इन्होंने छोटा सा पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया पाइनर ने, कंपनी ने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, ठीक है, जिसका मॉडल है ES2000M। तो आइए गाइस चले इसकी साउंड सुनते हैं। बहुत बेताब हो रहा हूँ मैं भी साउंड सुनने के लिए, और आप भी बेताब हो रहे होंगे। तो जितना मेरे को डिटेलिंग आपको बैक में बताना था फ्रंट में बता दिया, ठीक है। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। अगर मैं आपको कॉल ना उठाऊं लेकिन आपको कॉल बैक ज़रूर करूंगा, ठीक है गाइस। चलिए शुरू करते हैं इसके साउंड डिटेलिंग, और वीडियो के अंत में इसके प्राइस के बारे में आपको बताएंगे कि किस द्वारा आप इसे मंगवा सकते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने इस पाइनर के जो स्टीरियो का रिसीवर है इसे कनेक्ट कर दिया है, बहुत हाई एंड जिसे कहते हैं JBL के बुकशेल स्पीकर से, आप देख सकते हैं बहुत प्यारे और बढ़िया सुपर क्लैरिटी के साथ मेलेडी साउंड। ये मैंने JBL के 8 इंचेस टू वे स्पीकर्स कनेक्ट कर दिए अपने पाइनर के रिसीवर के साथ, जिसका मॉडल है ES2000M। सो गाइस अभी मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ कि ये रिसीवर जिस भी भाई बहन के पास जाएगा वो ज़िंदगी में याद करेंगे, बहुत प्यारा रिसीवर है। और ये पूरा वुडन बॉडी है, मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से ये खुलेगा, कहाँ से ये ओपन होगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि सील है पूरा वुडन से, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसका इंटरनल फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने अपने मोबाइल में इसका मॉडल डाला है, तो आप देख सकते हैं। सो आप ये देख सकते हैं अंदर से इसका इनसाइड मैंने, सो पूरा गाइस अंदर से फुल फील है, पूरा सुपर विंटेज है 1974 का, आप देख सकते हैं। इसका जो रिसीवर है ये बेसिकली ट्रांजिस्टर्स में बना है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ चार ट्रांजिस्टर लगे हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये देखिए पूरा इसका जो महात्मा गांधी का चक्रा दे रखा है, ये देखिए पूरा इसके अंदर धागा लगा हुआ है, और ये धागा यहाँ से जाके ये पूरा यहाँ जाके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे गरारी टाइप लगा हुआ है, ये देखिए। तो ये गरारी जो है, गरारी यहाँ से, एक सेकंड कॉल आ रहा था, छोड़, यहाँ से ये गरारी पूरा यहाँ जाके फिर यहाँ गोल घूम के कितना यूनिक डिज़ाइन करा है, और यहाँ एक नीचे गरारी और लगी हुई है। तो उस टाइम की 1974 की टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं कितना सुंदर बेहतरीन रिसीवर ट्रांजिस्टर बेस में बनाया है। साउंड क्वालिटी बहुत सुपर है गाइस, मज़ा आ जाएगा। चलिए मैं आपको इसमें ट्रैक प्ले करके दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं अपना मोबाइल यहाँ रख देता हूँ, तो पहले तो मैं आपको इसका FM टेस्ट करा देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी हमने इसको ऑन कर दिया है, और साथ में मैंने JBL स्पीकर्स लगाए, तो जैसे ही मैं वॉल्यूम उठाऊंगा आप देखिए फुल लाइव वीडियो है, नो एडिटिंग, ठीक है। तो पहले हम इसका आपको FM चेक करा देते हैं। ये मैं इसको, अच्छा गाइस जैसे इसका FM कैच होगा तो ये जो सिग्नल का पॉइंट है जो इसका आप देख रहे हैं मीटर, तो ये ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं आपको आराम से धीरे से मैं FM कैच करके दिखा रहा हूँ,
और अभी इसमें एंटीना नहीं लगा रखा, आप देखिए वो सुई देखिए आप, ये देखिए हम सॉन्ग्स नहीं प्ले कर सकते, कमेंट्री कोई आएगी, ये देखिए ये जैसे कनेक्ट होगा बिल्कुल सिग्नल फुल चले आई, ये यहाँ चले आ गए देखिए, ये देखिए ये कमेंट्री दिखाया था आपको, ये ट्यून हो गया सिग्नल, फुल वर्किंग है, बहुत ज्यादा है जिसके कई कारण है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल लॉ में टाइम फ्रेम का होना बहुत आवश्यक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम देखें क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस में इसकी आवश्यकता का कहा गया है जी, क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे अगर आप किसी भी एक योग्य व्यक्ति की बात को सुनेंगे तो वो कहेगा भाई टाइमली अगर आप डिलीवरी नहीं करेंगे जजमेंट की तो वो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप न्याय दे ही नहीं रहे। नहीं, और ऐसा भी लगता है कि जो क्राइम कर रहा है वो ये सोच समझ कर रहा है कि सालों साल तारीख पे तारीख चलता रहेगा, कोई क्लैरिटी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्लैरिटी है रिसीवर की, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर जस्टिस डिले हो गई दूसरा लगाते हैं, I just can't seem to take it out of my mind. आप देख सकते हैं सिग्नल की सुई पुराने नीचे गई, ये ऊपर चली गई, that's exactly why I decided that I shall order online ready to eat kebabs from Zapfresh and you won't believe तो गाइस बिना एंटीने के मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, अभी हमने कोई एफएम बैच नहीं करा और इतना जबरदस्त साउंड डिटेलिंग है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो इफ यू आर क्रेविंग फॉर द बेस्ट ऑफ नॉनवेज मीट वैरायटीज, बीट द मटन सीख कबाब, द मलाई सीख कबाब, द स्पाइसी सीख कबाब और द चपली कबाब, ऑर्डर फ्रेश फ्रॉम ज़ैपफ्रेश, और हाँ सुनते रहिए फीवर एफएम, क्योंकि फीवर एफएम देख सकते हैं आप एफएम की क्लैरिटी कितनी क्लियर है। भूटान 365 ऑफिस सेक्टर 32 नोएडा बाय भूटान ग्रुप दी ओके पंजाबी की तरह क्लिक का ये वॉल्यूम देखिए मैं डाउन कम ज्यादा कर रहा हूँ। चलिए अब इसका हम ऑक्स चेक करा देते हैं। ऑक्स में मैंने इसमें ब्लूटूथ लगा रखा है, ठीक है, तो मैं आपको इसमें ब्लूटूथ से कुछ ट्रैक पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस, तो बने रहिए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो गाइस एफएम मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है, और आप वो देख सकते हैं वो ब्लूटूथ मैंने इसके साथ पाइनर का जो इतना पुराना रिसीवर है स्टीरियो जो कि 1974 का बना है, बिकॉज उस टाइम पे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमने क्या किया है जो हम ब्लूटूथ सेल करते हैं 1200 रुपीज़ में इंक्लूडिंग शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आप मंगा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लूटूथ है वो इतने पुराने स्टीरियो एम्पलीफायर के साथ भी आज हमें उसे कनेक्ट करके तो ब्लूटूथ का भी हम मजा ले रहे हैं, तो ऐसे ही आप भी ले सकते हैं, आपके पास कोई भी पुराना एम्पलीफायर रिसीवर कुछ भी इवन पड़ा हो तो आपको उसको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से यूज करना चाहते हैं तो आप ये ब्लूटूथ हमसे परचेज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 1200 रुपीस इंक्लूडिंग शिपिंग के साथ पड़ जाता है। तो आइए गाइस इसको ऑक्स हम चला देते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे एफएम, और अगर आपके पास टर्न टेबल रिकॉर्ड प्लेयर्स है तो आप फोनों में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, देन इसका जो लास्ट ऑप्शन ऑक्स है ये मैंने इस ऑक्स में कर दिया है, तो अब ये ऑक्स में कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, अभी यहाँ से मैं ट्रैक प्ले कर देता हूँ, ये हमने ट्रैक प्ले कर दिया है और यहाँ से वॉल्यूम उठाते हैं, वाह बहुत शानदार क्लैरिटी है, देखिए आप ठीक है अल्टीमेट वाह, गाइस बहुत अच्छा साउंड है,
ये इसका बेस है फुल वर्किंग अल्टीमेट। ये इसका ट्रेबल है, ट्रेबल ऑल्सो फुल वर्किंग। बैलेंस लेफ्ट, यू कैन चेक, यूज हेडफोन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ओके, फुल वर्किंग बैलेंस, राइट बैलेंस, लाउडनेस बहुत हैवी लाउडनेस है गाइस इसका। सो फुल वर्किंग माइनस रिसीवर, अल्टीमेट साउंड परफॉर्मेंस। आप सुनिए, एंजॉय कीजिए। फुल लाइव वीडियो, नो एडिटिंग। चलिए एक ट्रैक और प्ले करके हम अपनी प्यारी सी ब्यूटीफुल मेलोडी ट्रैक्स का एंजॉय कीजिए। अल्टीमेट देख सकते हैं आप, पूरा बेस्ट क्लैरिटी है, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर। ये लास्ट सॉन्ग मेरी तरफ से हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो बने रहिएगा स्पेशली फॉर माय लवली सब्सक्राइबर्स। फुल क्लैरिटी से भरपूर है गाइस। So guys, कैसा लगा आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग पाइनियर का?
बच्चों की स्टीरियो रिसीवर बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना, 1974। सोच के देखिए गाइस, अभी 2024 चल रहा है और इतना पुराना रिसीवर आज भी बरकरार है इतनी अच्छी कंडीशन में। आप देख सकते हैं सारी नोब्स, एक्सलेंट्स, ग्लास, और उस टाइम की लाइट्स आज भी चल रही है। इसके अंदर जो बल्ब यूज़ करेंगे जापान वालों ने, तो आप देख सकते हैं एकदम कितना, मतलब भाई सल्यूट करना पड़ेगा उनकी टेक्नोलॉजी को, जापान वालों को, इतना ज़बरदस्त उस टाइम की टेक्नोलॉजी और आज भी बरकरार चले जा रही है, हैरानी की बात होती है गाइस। इतनी तो इंसान की भी एक लाइफ नहीं होती जितनी इनकी लाइफ होती है एम्पलीफायर्स की। सो गाइस, मेरी तरफ से ऑल ओके है, मज़ा आ गया मेरे को, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर साउंड है और आपको भी ज़रूर मज़ा आया होगा। अगर आप हेडफोन्स यूज़ करेंगे या आपका कोई लैपटॉप है उससे आपने कोई अपने घर में एक कोई अदर सिस्टम लगा रखा तो आप उसमें भी चला के देख सकते हैं। सो मेरी तरफ से ऑल एक्सलेंट कंडीशन है, ठीक है। सो गाइस, पायनियर का स्टीरियो रिसीवर 2000M जो कि बहुत रेयर मॉडल है, आसानी से नहीं मिलेगा, वो भी रिसीवर FM पूरा वर्किंग, क्योंकि गाइस रिसीवर की पहचान ही, रिसीवर की मींस क्वालिटी ही, अगर उसका FM नहीं चल रहा तो वेस्ट ऑफ मनी है आपका, मतलब फ़ायदा ही नहीं है। जब भी कोई भी मेरे से कहीं से भी आप रिसीवर्स ले तो उसका FM जरूर चेक कर लीजिएगा कि FM के सिग्नल्स प्रॉपर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बेसिकली हमारा रिसीवर ऑल ओके कंडीशन में है, ठीक है। तो गाइस बहुत प्यारा, बहुत गजब की ये इसकी जो टोन क्वालिटी है, क्रिस्टल साउंड, मज़ा आ गया। तो आइए अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है पार्ट एंड वीडियो, जो कि जिसमें मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा कि किस प्राइस में आप इसे मंगवा सकते हैं। सो गाइस, ये जो पायनियर का स्टीरियो रिसीवर है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया शिपिंग हमारा अवेलेबल है। आप चाहे नॉर्थ में बैठे हैं, साउथ में बैठे हैं, ईस्ट में बैठे हैं, वेस्ट में बैठे हैं, कहीं भी मेरा ऑल ओवर इंडिया शिपिंग, आप इसे हमें संपर्क कॉल करके 10 डिजिट मोबाइल नंबर जो कि शुरू से लेकर एंड तक वीडियो के राइट हैंड साइड में अप साइड में हाईलाइट हो रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप इस रिसीवर को बुकिंग करके आप अपने एड्रेस पे आराम से थ्रू बाय DTDC कोरियर, ट्रैकॉन, DHLR, ब्लू डार्ट, तो आप अपना स्पीड पोस्ट, तो आप इस द्वारा, इस माध्यम से आप इसे मंगवा सकते हैं। तो गाइस आइए मुद्दे की बात करते हैं प्राइस की। तो जो इसका प्राइस रहने जा रहा है, एक ही दाम सबको आराम, चाहे महंगा लगे चाहे सस्ता लगे, लेने वाले को सब पता है गाइस कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो गाइस इसका जो प्राइस रहने जा रहा है इंक्लूडिंग शिपिंग के साथ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 48,000 रुपीज़ का ये पायनियर का पूरा कंप्लीट रिसीवर आपको कोरियर करा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि 1974 का विंटेज मॉडल है गाइस, अल्टीमेट परफॉर्मेंस है, बेस, ट्रिबल, बैलेंस टोन, प्लस आपको इसमें फोर स्पीकर्स कनेक्टिविटी का ऑप्शंस भी मिल रहा है, फोनो लगाइए, माइक लगाइए, और परफॉर्मेंस गाइस अल्टीमेट, पूरा फुल वर्किंग है, वुडन बॉडी है, सील्ड रिसीवर है पूरा। जिस भी भाई और बहन के पास जाएगा वो याद करेंगे मेरे को कि बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई है, ठीक है। प्राइस मैंने आपको बता दिया है, जिस भी भाई बहन को चाहिए हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इन केस अगर हम आपका कॉल नहीं उठा पाए तो आप घबराइएगा मत, लेकिन हम आपको कॉल बैक ज़रूर करेंगे। कभी कभार क्या है कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के चक्कर में हम कुछ कस्टमर्स के कॉल्स नहीं उठा पाते, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो में एक दो कस्टमर्स के कॉल्स आए तो हमने उनको मैसेज कर दिया कि आई कॉल यू लेटर, ठीक है। सो गाइस कैसा लगा आज का हमारा प्यारा सा पायनियर का स्टीरियो रिसीवर जिसका मॉडल है ES2000M, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हमारा कमेंट बॉक्स 24 आवर्स ओपन है और आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं इतने अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, तो मैं तुषार तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ऐसे ही बने रहिएगा और हमें पता है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर भी 10,000 से 11,000 बहुत जल्दी ही होने वाले, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए कि मैं उनके लिए बढ़िया बढ़िया से ऐसे ही यूनिक से हट के प्रोडक्ट्स लेकर आता रहूँ, ठीक है।
तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इजाजत दीजिए अपने तुषार भाई को, ठीक है। तो हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, जिंदगी ना मिले दोबारा, म्यूजिक का संगीत का आनंद लीजिए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, होप यू लाइक इट, बाय।